जो नए टैक्स रेट हैं वो इस तरह से होंगे, 0 to 3 lakh, शून्य से 3 lakh तक निल, 3 to 6 lakh, 3 से 6 lakh तक 5%, 6 to 9 lakh, 6 से 9 lakh तक 10%, 9 to 12 lakh, 9 से 12 lakh तक 15%, 12 to 15 lakh, 12 से 15 lakh तक 20%, 15 lakh से ऊपर 30% का टैक्स होगा। This will provide major relief. मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, खासतौर पर जो टैक्स पेयर है उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा नए रिजीम के तहत। जिसकी एक इंडिविजुअल जिसकी कमाई 9 लाख रुपए है उसे सिर्फ 45,000 रुपए भरने पड़ेंगे, ये सिर्फ 5% है उसकी कमाई का, ये लगभग 25% कमी इसमें लाई गई है, जो अब तक उसको भरना पड़ता था उससे 25% कम हुआ है, 60,000 के बजाय अब उसे 45,000 भरना पड़ेगा। इसी तरह एक शख्स जो कि 15 लाख रुपए तक कमाता है उसको सिर्फ अब 1.5 लाख रुपए यानी कि 10% उसकी कमाई का भरना पड़ेगा, इसमें लगभग 20% की कमी आई है। पहले ये 1,87,000 होता था। मेरा तीसरा प्रस्ताव जो सैलरीड क्लास है उनके लिए है और जो पेंशनर है उनके लिए है, खासतौर पे जो फैमिली पेंशनर है उनके लिए भी, जिसके लिए हम प्रस्ताव देते हैं कि उनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो फायदा है वो नई टैक्स रिजीम में हर सैलरीड पर्सन को जिसकी 15.5 लाख रुपए होगी या उससे ज्यादा होगी उसको 52,500 रुपए का फायदा मिलेगा। हमारा चौथा प्रस्ताव ऐलान इससे जो ऊंचे टैक्स रेट वाले हैं उनके लिए है, जो अभी 42.7% है, ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। हम जो हाईएस्ट सरचार्ज है, जो हम प्रस्ताव करते हैं कि जो हाईएस्ट सरचार्ज है उसको कम करेंगे, जो 37% से कम होकर अब 25% होगा नई टैक्स रिजीम में, 37% से घटकर 25% होगा। इससे इसका फायदा ये होगा जो मैक्सिमम रेट में जो कमी आएगी, इसमें जो मैक्सिमम रेट होगी मैक्सिमम टैक्स रेट में 39% तक कमी आ जाएगी। अब आखिर में हम ये कहना चाहेंगे 30 लाख की जो टैक्स एग्जेंशनल लीव इनकैशमेंट पर जो 3 लाख रुपए है, रिटायरमेंट जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं वो 2002 में तय किया गया था, 3 लाख की सीमा थी, तब हाईएस्ट बेसिक पे सिर्फ 30,000 रुपए प्रति महीना हुआ करता था, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है और उसी के हिसाब से हम इस लिमिट को बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर रहे हैं। इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों को होगा और हम इसमें और भी नई इनकम टैक्स रिजीम को अब ये डिफॉल्ट होगी यानी सबको लेना होगा, लेकिन जो भी लोग पुरानी टैक्स रिजीम का फायदा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन खुद ब खुद डिफॉल्ट जो होगा वो नई टैक्स रिजीम के तहत होगा। ये जो सब तमाम चीजें हैं वो एनेक्सर में दिया गया है और 38,000 करोड़ रुपए का जो राजस्व है, 37,000 करोड़ इन डायरेक्ट टैक्सेस, 37,000 करोड़ रुपए की कमी होगी और 1,000 करोड़ की इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी होगी और इसके अलावा 3,000 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू जो है वो हम लगाएंगे इसमें, 35,000 करोड़ रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे। माननीय स्पीकर महोदय, इन शब्दों के साथ हम बजट को समर्पित करते हैं। आइटम नंबर 1 माननीय, आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। सर विद योर परमिशन, आपकी अनुमति से सर हम टेबल पर मौजूदा विवरण को रखना चाहते हैं, सेक्शन 3(1) फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के तहत एक मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है
कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। सर, विद योर परमिशन, आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल 2023। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो अभी की सबसे बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख अगर आपकी आमदनी है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद भी जो स्लैब्स हैं उनमें भी जो है परिवर्तन किया गया है। 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स आपको देना पड़ेगा अपनी आय पर। 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। 9 से 12 पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। और 15 से ऊपर 33%। जल्दी फटाफट दिखा दीजिए क्या ब्रैकेट है हमारे पास, उसका ग्राफिक भी रेडी है। फटाफट देखते हैं क्या ब्रैकेट है, क्योंकि आज की ये सबसे बड़ी खबर है। जो लोग नौकरी पेशा हैं वही सबसे ज्यादा टैक्स के दायरे में आते हैं, और उनको ये लगता था कि सरकार कोई राहत नहीं दे रही पिछले 8 सालों से। तो देखिए, 0 से 3 लाख जो है कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख अगर आप कमाते हैं, ये आपकी आय पर टैक्स है, मैं अभी आपको साफ कर दूं। 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, और 15 लाख से ऊपर जो है वो 33% टैक्सेस है। हमारे साथ कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। प्रीति, राहत की खबर बड़ी मिडिल क्लास के लिए, उन लोगों के लिए जिनको परंपरागत बीजेपी का वोटर माना जाता है। लगातार इसी बात की चर्चा हो रही थी वित्त मंत्री के इस बजट से पहले कि मध्यम वर्ग को, सैलरीड क्लास को किस तरह की राहत मिलने की आज उम्मीद है।